नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आइए, आज हम एक जड़ी बूटी के बारे में फिर आपको जानकारी दे रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये मेरे पास जो है पपीता का पेड़ है, पपीता, पपाया। इसके भाई साहब औषधीय गुण बहुत ही कूट कूट करके भरे हैं। तो आप इसको जो है जरूर इस्तेमाल करें, आप इसका पत्ता इस्तेमाल करें, इसका फल इस्तेमाल करें, इसका जड़ इस्तेमाल करें। ये पूरा का पूरा ही प्रयोग में आता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये पपीता का, देख लीजिए, पहचान लीजिए अच्छी तरह से, ये है पपीता का पेड़। आप देख पा रहे होंगे इसके पत्ते वगैरह तो इस तरीके से है। तो इसका इस्तेमाल करें और बहुत बढ़िया पेड़ होता है ये, और इसके औषधीय गुण तो बहुत ज्यादा है। पत्ते से कौन कौन सी बीमारी ठीक होती है, लोग पूछते हैं कि इसके कौन कौन से रोग सही हो सकते हैं। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि इससे देखो, डेंगू बुखार, अगर आपका डेंगू बुखार किसी तरीके से है, उतर नहीं रहा है, तो आप इसको डेंगू बुखार में इसका काढ़ा बना करके पीजिए। अगर आपका प्लेटलेट ब्लड प्लेटलेट्स अगर आपकी कम है, तो ये आपकी ब्लड प्लेटलेट्स को भी बढ़ा देता है। तो इसको ब्लड ब्लड प्लेटलेट्स के लिए भी जरूरी आपको काढ़ा पीना है। मलेरिया, अगर आपको मलेरिया हो गया है, छूट नहीं रहा है, तो आप इसको मलेरिया में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका काढ़ा बना करके पीजिए, तो आपका मलेरिया हट जाएगा। अब पपीता के पत्ते से कई सारे, पत्ते के अंदर कौन कौन से गुण होते हैं, इसमें देखो फाइबर होता है। फाइबर होने की वजह से पाचन क्रिया आपकी बहुत मजबूत बनती है। तो आप इसको अगर बदहजमी है, खाना नहीं हजम हो रहा है, आपको कच्ची डकारें आ रही हैं, तो इससे आपकी पाचन क्रिया बहुत मजबूत होगी। आपके शरीर के अंदर कहीं सूजन है, कहीं गांठ बनी हुई है, तो आप इसका काढ़ा पीजिए। आप अगर काढ़ा पीते हैं तो आपकी सूजन कम हो जाएगी, और आपकी जो गांठें कहीं भी बनी हुई है तो वो धीरे धीरे करके आपकी गांठें पूरी पिघल जाएंगी। इसकी जोड़ों का दर्द है कहीं, अगर आपके पैरों में, हाथ में, कमर में कहीं भी दर्द है, तो आप इसको जोड़ों के दर्द के लिए भी आप इसका काढ़ा पी सकते हैं, आपको ये बहुत ही ज्यादा आराम देगा। हाँ, ये जरूर है कि इसकी तासीर तासीर गर्म होती है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा कि इसको ज्यादा ना इस्तेमाल करें। इसको काढ़े के रूप में, ये ना हो कि ज्यादा काढ़ा बना करके पी ले तो आपको गर्म करे, इसलिए ये सर्दियों में ज्यादातर बहुत ही फायदेमंद होता है। गर्मियों में कम 10 ग्राम से ज्यादा इसका काढ़ा नहीं पीना है। आधा लीटर पानी लीजिए, उसमें इसको उबालिए, अच्छी तरह से बांट लीजिए, और बांटने के बाद आपका खाली पेट 10 मिलीलीटर और शाम को 10 मिलीलीटर, केवल 10 मिलीलीटर के हिसाब से ही पीना है। कृपया इसको ज्यादा ना पिए, क्योंकि ज्यादा पिएंगे तो ये नुकसान भी हो सकता है, इसलिए भाई बहन आप ध्यान दे करके पिए। और इसका दूसरा सबसे बढ़िया तरीका है, आप ये सुबह सुबह साफ पत्ता हो, गंदा पत्ता ना हो, अगर आप काढ़ा पीने में आपके पास समय नहीं है, तो आप इसको तोड़िए। ये देखिए, हमने तोड़ लिया ये पत्ता है। हाँ, खाने में जरूर थोड़ा कड़वा होता है, थोड़ा कड़ू लगेगा, तो आप इसको क्या करें, सुबह सुबह इसको खा सकते हैं बड़े आराम से। ये देखो हम खा रहे हैं, तो इसको खा लीजिए और अच्छी तरह से चबा चबा करके खाइए, और इसको पेट के अंदर कर लीजिए आप, तो ये सबसे बढ़िया काढ़ा वगैरह से सबसे जो है ज्यादा कारगर ये है, क्योंकि इसमें आपके दांतों की भी वर्जिश हो रही है, आपके माइंड की भी वर्जिश हो रही है, आपकी निगाहों की भी वर्जिश हो रही है। तो इसलिए इस तरीके से अगर आप खा सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम, अति उत्तम। तो इसलिए इसका प्रयोग करें और लाभ लें। इसका कच्चा पपीता भी खाएं, पक्का पपीता भी खाएं, पका हुआ खाएं, इसके बीज का चूर्ण बना लें वो खाएं, ये हर तरह से उपयोगी है और आपके सारे मर्ज जो है दूर भगा देगा। इस तरह डेंगू बुखार वगैरह ये सब इसके सामने कुछ नहीं रुकेगा। तो इसलिए पपीते का प्रयोग करें, और मेरी वीडियो अगर आप भाई बहनों को अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें,
नए भाई बहने सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, जिससे कि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।